खेड़ी से गोंड पिपरी सड़क का निर्माण बेहद घटिया बताया जा रहा है, साथ ही कई साल से यहां काम भी ठप है। इससे क्षेत्र के नागरिकों और सड़क पर आने जाने वाले यात्रियों को जान में खतरा है और दुर्घटनाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सड़क में गड्ढों व कार्य में देरी व ठेकेदार व अधिकारियों की मनमानी के कारण सड़क का काम चौपट हो गया है। ठेकेदारों व दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने व सड़क निर्माण को सुचारू करने के लिए युवा कांग्रेस ने चांदापुर फाटा व घोसारी फाटा पर नारेबाजी कर सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। सुबह से ही हाईवे को कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया था, इससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। आंदोलन के दौरान उप युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष शांतनु धोटे, बाजार समिति मूल अध्यक्ष राकेश रत्नावर, राजू मानकवार, सुमित आरेवार, दशरथ वाकुड़कर, दीपक पाटिल गढ़ी, घनश्याम येनूरकर से विस्तृत चर्चा के बाद आंदोलन की सभी मांगों को लिखित रूप से स्वीकार कर लिया गया। साथ ही दुर्घटना में मृतकों व घायल को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उक्त सड़क का निर्माण 2 माह में पूरा कर लिया जाएगा। पूरी सड़क पर दिशा संकेतक लगा दिए जाएंगे एवं निर्देशों का पालन किया जाएगा। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया। कांग्रेस युवा नेता प्रशांत उराड़े, कांग्रेस तालुका युवा अध्यक्ष पवन नीलमवार, नंदगांव सरपंच हिमनी वाकुड़कर, जालंधर बांगले सागर देवकर आदि सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे। आम्ही सकाळपासून तर दुपारपर्यंत या ठिकाणी सर्व आंदोलनकर्ते कार्यकर्ते या ठिकाणी तट ओढून होते। या ठिकाणी प्रशासनाचे संबंधित प्रशासनाचे कॉन्ट्रॅक्टरचे प्रतिनिधी, त्याचप्रमाणे पोलीस प्रशासन तसेच शिष्टमंडळ व कार्यकर्ते यांच्या समोर प्रशासनाने व कॉन्ट्रॅक्टरने अशी ग्वाही दिलेली आहे की या रस्त्याच्या नियोजन शून्य बांधकामामुळे ज्या ज्या लोकांचा अपघात जाऊन जीव गेला, त्याचप्रमाणे जखमी झाले आणि जनावरे शेतीची नुकसान झाली त्यांची नुकसान भरपाई तत्काळ देण्यात येईल। त्याचप्रमाणे रस्त्याचे बांधकाम 2 महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल आणि रस्ता हा भ्रष्टाचार मुक्त चांगला रस्ता बनवण्यात येईल अशी ग्वाही दिली। जर मूल से अमित राऊत के साथ सुनील तायडे की रिपोर्ट।